क्या नाम है आपका? जी दक्ष लूथरा। तो दक्ष, इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा हुआ आपका? इकोनॉमिक्स का एग्जाम काफी अच्छा गया, थोड़ा इजी आया था, मीडियम टाइप पेपर था। मॉडरेट लेवल था डिफिकल्टी? हाँ जी मॉडरेट लेवल था, हो गया अच्छे से। अच्छे से हो गया। और कोई सेक्शंस अगर आपको याद हो, यूनिट्स जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? सेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर से और सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर से ज्यादा आए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक और फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा थे? हाँ जी उससे ज्यादा। तो कोई और यूनिट्स जहाँ जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे? मैं इंडियन इकोनॉमिक्स में जो डेट होती है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में कोई डिफिकल्टी? टाइम नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं आया, सब हो गया था टाइम से। ठीक है। और CBSE में इकोनॉमिक्स के जो NCERT है उसके कंपैरिजन में बुक से ज़्यादा क्वेश्चन थे या आउट ऑफ बुक से? आउट ऑफ बुक ज़्यादा नहीं थे, जो संदीप गर्ग बुक है उसी में से आए थे मेनली। मतलब अगर बुक पढ़ोगे तो बुक से ही हो जाएगा सारा। सो जो CBSE की बुक्स है उसी से पढ़ सकते हैं? हाँ जी उससे पढ़ सकते हैं, उससे हो जाएगा सारा। सो यश, इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा था? ईजी था, आसान आया था पेपर। ईजी था, आसान आया था। एंड अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लेवल शेयर करना हो यूनिट्स का? मॉडरेट ही था, ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था। नॉर्मल था। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए थे? पिछले साल के तो नहीं किए थे, बाकी अरिहंत वगैरह की किताब से पढ़ाई की थी उसके लिए। और तो उसके बेसिस पे उसमें जैसे क्वेश्चन थे तो इट वॉज सिमिलर या फिर उससे भी ईजी आया? सिमिलर थे, ईजी था। सिमिलर थे। और वेटेज अगर आप शेयर कर पाओ, कोई टॉपिक्स माइक्रो से ज़्यादा थे या मैक्रो से ज़्यादा थे? IED से ज़्यादा आए थे। IED से ज़्यादा थे क्वेश्चंस। आपने कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना अभी? इसके बाद मेरा कल है जो है उसका बिजनेस स्टडीज़ का, अकाउंटेंसी का और फिजिकल एजुकेशन का। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था सुमित? बढ़िया था भैया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब मीडियम के क्वेश्चन थे। मीडियम डिफिकल्टी लेवल था। और कोई सेक्शन आपको याद हो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? ज़्यादा उसमें सर्वनाम विशेषण ये सब आए थे और कुछ पद्यांश आए थे, ऐसे सवाल आए थे। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आपने? नहीं पिछले साल मैंने देखे थे, मैंने इसी साल से मेरे भाई ने मेरी प्रैक्टिस करवाई थी। अच्छा, आपने घर पे ही प्रिपेयर किया? हाँ, मेरा बड़ा भाई दे चुका है एक बार। ठीक है। और NCERT बुक्स में से CBSE के क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करना हो तो? हाँ, जैसे अगर 10th के बेसिस पे देखें तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट था ये। 10th के एग्जाम से थोड़ा डिफिकल्ट था, बट 12th से इजी था? नहीं 12th से भी डिफिकल्ट था। अच्छा 12th से भी डिफिकल्ट था। ठीक है। और कौन कौन से पेपर दे रहे हैं आप अभी? जियोग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, सोशोलॉजी का है। ठीक, थैंक यू। तो आपका एग्जाम कैसा गया हिंदी का? एग्जाम इजी था। अच्छा, और आपको क्या, आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे? नहीं, वो NCERT पढ़ी थी, थोड़ा। अच्छा, मींस NCERT इनफ था। ओके। और कोई क्वेश्चंस आपको, कोई सेक्शन याद हो जहाँ से क्वेश्चन आए थे? ओके। तो आप CBSE बोर्ड से? तो CBSE का हिंदी एग्जाम, और इस एग्जाम में से आपको क्या टफ लगा? CBSE का। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू।